सांसद पर वादा खिलाफी का आरोप, ग्राम रोजगार सेवक कल करेंगे सांसद आवास का घेराव। जिलाध्यक्ष ने कहा सांसद ने किया था नियमितीकरण कराने का वादा। सीतापुर हिंदुस्तान संवाददाता से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रोजगार सेवक संघ की बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला की अध्यक्षता में सरोजनी वाटिका में हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने अपने लेटर पैड पर एक अपील जारी की थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित किया जाएगा। श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों ने पूरी मेहनत करते हुए पूर्ण बहुमत से की सरकार बनवाई। लगभग 15 माह का समय बीतने के बाद सरकार की तरफ से रोजगार सेवकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसी वादे को याद दिलाने के लिए सीतापुर सहित संपूर्ण प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक 20 जून को सांसद कौशल किशोर की आवास का घेराव कर नियमितीकरण के वादे को याद दिलाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए मोहम्मद हारून सिद्दीकी व विजय वर्मा ने कहा कि जनपद के ग्राम रोजगार सेवकों से अपील है कि अपने नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर 20 जून को सांसद आवास का घेराव करने के लिए लखनऊ पहुँचे। बैठक में पवन शुक्ला, राम मनोहर, नागेंद्र सिंह, अजय शुक्ल, राम मुनेश्वर, शरद शुक्ल, अजय दीक्षित, महेंद्र अवस्थी, मोहम्मद शरीफ अंसारी, संजय वर्मा आदि सैकड़ों रोजगार सेवक उपस्थित रहे। सांसद पर वादा खिलाफी का आरोप, ग्राम रोजगार सेवक कल करेंगे सांसद आवास का घेराव। जिलाध्यक्ष ने कहा सांसद ने किया था नियमितीकरण कराने का वादा। सीतापुर हिंदुस्तान संवाददाता से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रोजगार सेवक संघ की बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला की अध्यक्षता में सरोजनी वाटिका में हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने अपने लेटर पैड पर एक अपील जारी की थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने